हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, नीट यूजी काउंसलिंग 2019 की जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हुई थी वो एमसीसी ने तो रिफंड कर दी है और अभी स्टेट भी इसको रिफंड कर रहे हैं। किसी किसी स्टेट में रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और बाकी स्टेट में भी 15 से 20 नवम्बर के नियर बाई रिफंड आना स्टार्ट हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम राजस्थान स्टेट के रिफंड के बारे में बातचीत करेंगे। बाकी जैसे ही बाकी स्टेट के रिफंड प्रोसेस स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के लिए जिन कैंडिडेट ने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया था उनके रजिस्टर्ड मेल पर एक मेल आया है और उसमें कुछ डिटेल्स आपको फिल करके मेल करना है। ये डिटेल्स भेजने की लास्ट डेट 10 नवम्बर 2019 है। तो स्टूडेंट इस रिफंड के लिए इलिजिबल हैं तो अपना मेल आईडी ओपन करके चेक कर लें। इस प्रकार से आपको काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से एक मेल आया होगा। इस मेल में जो हेडिंग है रजिस्ट्रेशन फी रिफंड नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन 2019 लिखा होगा और नीट यूजी एडमिशन की तरफ से ये मेल आया है ऑफिस ऑफ द चेयरमैन नीट यूजी मेडिकल डेंटल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड 2019। इस प्रकार से आपके पास मेल आया है। अगर आपके पास मेल नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको इस मेल में ये डिटेल बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी डिटेल आपको भेजनी है, तो आप वो डिटेल फीड करके वापस मेल कर दें। तो इसमें आपको सबसे पहले जो डिटेल भेजनी है तो इसमें जो जिस एड्रेस पर डिटेल भेजनी है वो नीट यूजी एडमिशन एट जीमेल डॉट कॉम पर आपने ये डिटेल भेजनी है। इसके बाद में जो फर्स्ट नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है आपने, इसके बाद में फादर नेम लिखना है और मदर नेम लिखना है। इसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर लिखना है जिसमें आप ये रिफंड मंगवाना चाहते हैं और उसके IFSC कोड लिखने हैं। इसके बाद में आपके नीट यूजी रोल नंबर लिखने हैं और रजिस्ट्रेशन फीस ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है। जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस रिसिप्ट से आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी वो लिखनी है। इसके बाद में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुई है, अगर उस कॉलेज अलॉट हुई है तो नीचे आपने कॉलेज नेम और कोर्स ज्वाइंड लिखना है, उसका नाम लिखना है। अगर नहीं है तो नो लिख देना है इसमें। तो इस प्रकार की ये डिटेल आपने मेल करनी है। मेल आईडी नीट यूजी एडमिशन एट जीमेल डॉट कॉम है ये। इसमें आपने जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें मेंशन करना है रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड और नीट रोल नंबर, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है उसमें लिखना है रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड और आपके नीट रोल नंबर लिखने हैं इसमें आपको। ये सारा आपको सब कुछ करना है। 10 नवंबर 2019 लास्ट डेट है इसकी ऑनलाइन रिफंड के एप्लीकेशन की। तो ये आप इसमें मेल भेज सकते हैं, आपको सिर्फ मेल ही भेजना है, इसके बाद आपके अकाउंट में आपका रिफंड आ जाएगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ये जानकारी थी राजस्थान स्टेट के रिफंड के बारे में। बाकी स्टेट के रिफंड का जैसे ही पता लगेगा हम आपको सूचित कर देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।